देखो हम लोगों ने ना काफ़ी कुछ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इस थीम में, तो बिफोर आगे और न्यूमेरिकल्स करें हम लोग है ना थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। हम लोग स्टीम टर्बाइन्स पढ़ रहे थे, हम लोगों ने सब कुछ स्टडी आउट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं गवर्निंग के बारे में, ठीक है। टर्बाइन गवर्निंग क्या होती है? ठीक है, हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपल्स टर्बाइन गवर्निंग टर्बाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? टर्बाइन की गवर्निंग के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्बाइन गवर्निंग? ठीक है, तो देखो बच्चे, टर्बाइन गवर्निंग जो है, टर्बाइन गवर्निंग को अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ द टर्बाइन गवर्निंग? गवर्निंग का मतलब क्या होता है? गवर्निंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। गवर्निंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। अब हमारे पास क्या है, स्टीम का जो फ्लो आ रहा है उस स्टीम के फ्लो को हमको कंट्रोल करना होता है बाय द यूजिंग ऑफ सम सुटेबल ऑपरेशंस। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग है ना पावर आउटपुट को वैरी करते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकल पावर को है ना कंट्रोल करते हैं। जो स्टीम का इनलेट हो रही है उस स्टीम के इनलेट के ऊपर क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कैसे हमारी टर्बाइन की गवर्निंग होगी। बीच में अगर कहीं पर भी आवाज़ रुक जाए तो मेरे को बता देना, कल की जैसे मत करना। अभी क्लियर है ना आवाज़? अभी क्यों आ रही है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। गवर्निंग सिस्टम देखो, गवर्नर अगर अपन गाड़ियों में लगाए तो उसका काम क्या होता है, वेरिएबल स्पीड को मीट करना, कि हमारी जो स्पीड के अंदर चेंज हो रहा है उस स्पीड की चेंज को क्या करके रखते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं, है ना। उसकी स्पीड को क्या करके रखते हैं, वो चेंज करके रखते हैं। तो अगर हमारी ग्रिड कनेक्टेड होगी इसके साथ में, ठीक है, तो वो ग्रिड कनेक्टेड क्या करेगी, हमको इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करवाएगी कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो चेंजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। कैसे कैसे इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं वो हमारी क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्निंग होती है, कि हम वॉल्व की ओपनिंग को कंट्रोल करके या फिर वॉल्व की है ना उसको वेरिएशन लाके, नोजल डिस्प्ले को वेरिएशन लाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। क्लियर मेरी बात? तो बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्निंग की, हमारे पास कितने टाइप्स की गवर्निंग होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है थ्रोटल गवर्निंग, ठीक है। ये थ्रोटल गवर्निंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे गवर्नर से लिंक्ड है, कि जैसे हमारे गवर्नर वर्क करता है गाड़ियों के अंदर, सेम वैसा ही वर्क कौन करता है, ये थ्रोटल गवर्निंग करती है। कैसे कंट्रोल करती है गवर्निंग को, समझो इसको। पढ़ाए पहले ये बताओ तुम लोगों ने, थ्रोटल गवर्निंग पढ़ी है? तुम लोगों ने थ्रोटल गवर्निंग पढ़ी है क्या? नो सर, नहीं पढ़ी। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर पहला पेज स्टार्टिंग का, सिर्फ पहला पेज पेज ही दिख रहा है। ठीक है, हेयर या ऑफ, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, थ्रोटल गवर्निंग के बारे में। देखो थ्रोटल गवर्निंग के अंदर क्या हो रहा है, थ्रोटल गवर्निंग के अंदर कैसे समझाऊं, एक सेकंड। देखो थ्रोटल गवर्निंग के अंदर क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं किसका, गवर्नर का। तो यहाँ पर देखो जो बना हुआ है,
यहाँ पर जो हमारे स्क्रीन पे ये चीज बनी हुई है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा होता है, फ्लाई बॉल्स लगी हुई होती हैं। फ्लाई बॉल्स कैसे होती है, देखो उनको समझते हैं अपन। बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, देखो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारे पास में क्या लगी होती है, दो बॉल्स लगी हुई होती है कुछ इस टाइप से, और इसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, एक स्लीव से कनेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो बीच में लगी होती है, यहाँ पर क्या होती है, स्लीव्स लगी हुई होती हैं। इन स्लीव के बीच में, जैसे ये स्लीव्स हैं, इसके बीच में क्या लगा देते हैं, लीवर लगा देते हैं। व्हाट इज अ बेल क्रैंक लीवर, ये तो पढ़ा होगा तुमने बेल क्रैंक लीवर के बारे में। बेल क्रैंक लीवर तो पड़ा होगा ना बच्चे, एक लीवर होता है जिसके बीच में क्या लगा होता है, इधर की साइड में एक फलक्रम लगा होता है, ठीक है। इस फलक्रम के साथ में एक वॉल्व कनेक्टेड होता है हमारे पास। यहाँ पर क्या कनेक्टेड होता है हमारे पास में, एक वॉल्व कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं। कैसे काम करता है ये, मान लो ये जो मेरा एक्सिस और रोटेशन है, ये मेरा किससे अटैच होता है, ये हमारे है ना एक्सिस से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ द बेवल गियर। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बेवल गियर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये बेवल गियर इसके साथ में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और जब ये इसके साथ में कनेक्टेड हो रहा है, तो देखो जैसे जैसे हमारी है ना इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होगी तो ये जो हमारी बॉल्स हैं, ये जो स्पीड जब इंक्रीज हो रही है तो बॉल्स जो है हमारी, ये बॉल्स कहाँ जाती है, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। क्या करती है, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्यों मूव करेगी, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों मूव करती है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्पीड दे रहे हैं, तो स्पीड देने की वजह से इन बॉल्स का मूवमेंट कहाँ होता है, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। अब इफ ये क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है ना मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के बाद में क्या होगा, ये आउटवर्ड जा रहा है तो ये क्या होगा, ये स्लीव ऊपर की साइड में मूव करेगी तो स्लीव ऊपर की साइड में मूव करने का मतलब ये बेल क्रैंक लीवर मेरा ऊपर की साइड में मूव किया, जिससे कि ये वाला पोर्शन कहाँ मूव करता है, एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कहाँ मूव करता है, एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फल्क्रम। और अगर इसकी स्पीड में रिडक्शन हो रहा है, तो स्पीड में रिडक्शन होने के बाद में क्या होगा, कि ये जो बॉल्स है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आने की कोशिश करती हैं। ओरिजिनल पोजिशन में अगर ये आ रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो स्लीव है वो कहाँ मूव करेगी, एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने का रीजन, तो ये बेल क्रैंक लीवर कहाँ मूव करेगा, एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इससे वजह से ये लीवर मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये एक छोटी सी मैकेनिज्म है, ये क्या है, एक छोटी सी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म का यूज किया गया किसके अंदर, इस थ्रोटल गवर्निंग के अंदर। इस मैकेनिज्म का यूज किया गया कहाँ पर, इस थ्रोटल गवर्निंग के अंदर, कि ये जो लीवर लगाया हुआ है, देखो वहां पर से देखो यहाँ पर जो लीवर लगाया गया है, ये जो लीवर है, ये लीवर कौन सा लीवर होता है, इसको हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। व्हाट इज दिस लीवर, दिस लीवर इज कॉल्ड द बेल क्रैंक लीवर, जिसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, जो है ना फलक्रम के साथ में कनेक्ट कर दिया है। एक ये हमारे पास में क्या है, गवर्नर अवेलेबल है। ये गवर्नर क्या कर रहा है, हमारी स्पीड के रोटेशन, जैसे हमारी टर्बाइन है ना, ये टर्बाइन की शाफ्ट, इस टर्बाइन की शाफ्ट के साथ में है ना कैसे कनेक्टेड है, बाय द हेल्प ऑफ द बेवल गियर्स। अगर टर्बाइन मेरी बहुत तेज रोटेट हो रही है, तो हमारा है ना ये बेवल गियर्स क्या करेगा, इस शाफ्ट को, कौन सी शाफ्ट को, ये जो शाफ्ट नहीं, ये वाली, इस शाफ्ट की स्पीड को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बेल क्रैंक लीवर क्या करेगा, इस शाफ्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। अगर यहां से है ना स्पीड ऑफ शाफ्ट इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, बॉल्स जो है हमारी, बॉल क्या करेगी, अपवर डायरेक्शन के अंदर मोशन करेगी। बॉल अपवर डायरेक्शन के अंदर अगर मोशन कर रही है, तो हमारे पास में ये जो मेन वॉल्व है, देखो यहाँ पर इस लीवर को हम लोगों ने यहाँ पर किससे कनेक्ट कर दिया है, एक वॉल से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर से हम लोग क्या भेज रहे थे, यहाँ पर हम लोग स्टीम इनलेट करवा रहे हैं,
यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम इनलेट करवा रहे हैं, ठीक है। स्टीम कहाँ से आ रही है, ये स्टीम कहाँ से आ रही है, बोलो। हिमांशु? यस सर, बॉयलर से आ रही है। बिल्कुल बच्चे, बॉयलर से आ रही है। हमारा बॉयलर का काम क्या था, स्टीम का जनरेशन करना, तो हमने स्टीम जनरेट करी है। स्टीम जनरेट करके आए ना, ये बायो वैल्यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर फ्लो करवा रहे हैं। तो ये जब स्टीम हमारी बॉयलर से, नोजल से होती हुई यहाँ आ रही है, तो इस स्टीम को कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग किसकी हेल्प से, इस गवर्नर की हेल्प से। और गवर्नर की हेल्प से हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं थ्रॉटल गवर्निंग। अब देखिए, जैसे स्पीड इंक्रीज हुई तो मेरी फ्लाईबॉल काम करेगी, अपवर्ड फ्लाईबॉल काम करेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के कारण ये जो हमारा लीवर है, ये लीवर कहाँ मूव करेगा, ये डाउनवर्ड साइड में जो लीवर है, ये जो लीवर है ये मूव करेगा कहाँ पर, अपवर्ड। और फलक्रम की वजह से लीवर डाउन मूव करेगा डाउनवर्ड। स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये वॉल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जो कि इसके पैसेज को क्या कर देगा, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगा। पैसेज को क्या कर देगा, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगा, जिससे कि इसके अंदर फ्लो होने वाली जो स्टीम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। स्टीम की वैल्यू कम हो गई तो टर्बाइन की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी टर्बाइन की स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये बहुत तेज रोटेट कर रहा था तो ये किस पे आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड के ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली वाइसी वर्षा, सिमिलरली वाइसी वर्षा। वाइसी वर्षा का मतलब क्या है, अगर हमारे पास स्पीड कम हो गई, एक नेचुरल स्पीड से क्या हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये हमारी जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन कैसे स्पीड कर रही है, स्लो रोटेशन कर रही है। स्लो रोटेशन करने की वजह से हमारे पास में ये जो शाफ्ट है, इसका भी रोटेशन कैसा होने लग जाएगा, हमारे पास में स्लो होने लग जाएगा। इस स्लो रोटेशन की वजह से जो हमारी बॉल्स थी, जो एक न्यूट्रल पोजीशन में घूम रही थी, वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की साइड में आएगी, जिससे कि थ्रू ये स्लीव का मूवमेंट क्या होगा, एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप सोचो, फलक्रम लीवर है मेरे पास में, उस लीवर की वजह से, अगर ये लीवर है, अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो दूसरा पॉइंट ऊपर जाएगा, और अगर ये पॉइंट एक पॉइंट ऊपर जाता है तो दूसरा पॉइंट कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जैसे सीसा होता है ना, उस टाइप से, जैसे सीसा होता है ना पार्क में, उस टाइप से। तो ये अगर मेरे पास नीचे जा रहा है, ये पोर्शन मेरे पास नीचे जा रहा है, तो इस पोर्शन के नीचे जाने की वजह से ये जो हमारा पोर्शन है वॉल वाला, ये कहाँ पर मूव करेगा, ये मूव करेगा मेरे पास में अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इफ इट इज सो, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पैसेज ओपन कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पैसेज ओपन कर देते हैं। पैसेज ओपन करने से क्या हो गया कि यहाँ से जितनी भी स्टीम आ रही थी हमारे पास, यहाँ से जितनी स्टीम आई थी, वो स्टीम की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वांटिटी इंक्रीज होने के बाद में हमारे पास टर्बाइन का जो यूज है, फिर टर्बाइन का रोटेशन है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या इस पर वर्क कर रहे हैं, हम लोग प्रेशर लोड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या कर रहा है, स्टीम को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर अक्रॉस द गवर्निंग वॉल। कहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं हम इसको, गवर्निंग वॉल पे कंट्रोल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये थी हमारे पास सबसे पहले थ्रॉटल गवर्निंग, ये द सबसे पहला टाइप, दैट इज द थ्रॉटल गवर्निंग। क्लियर है बच्चे? यस सर, यस सर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, द नेक्स्ट वन इज नोजल गवर्निंग। अब देखो, जैसे अभी हम पहले पढ़ रहे थे थ्रॉटल गवर्निंग के बारे में, अब बात करेंगे किसके बारे में, नोजल गवर्निंग के बारे में। तो नोजल गवर्निंग का मतलब क्या है, थ्रॉटल गवर्निंग का मतलब था कि थ्रॉटल वॉल को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर रहे थे, स्टीम की सप्लाई को वेरिएशन कर रहे थे, जिससे कि वो क्या कर सके, लोड से मिल सके कि क्या लोड आ रहा है, उस लोड के साथ में क्या कर सके, वो उसका वेरिएशन हो सके, ठीक है। यही थ्रॉटल गवर्निंग थी। अब नाम में डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने, दैट इज द नोजल गवर्निंग। तो नोजल गवर्निंग का मतलब क्या है, नोजल गवर्निंग का मतलब इतना सा है कि हम क्या करेंगे, नोजल के अंदर वेरिएशन लेके आएंगे। जब हमारी स्टीम टर्बाइन के अंदर जा रही है, तो उससे पहले किससे पास होती है, वो सेट ऑफ नोजल से पास होती है। तो अगर हम लोगों ने सेट्स के अंदर वेरिएशन लेकर आए, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे पास में स्टीम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डायग्राम देखो, डायग्राम में तुमको क्या बता रखा है, यहाँ पर एक वॉल्व है जिसके थ्रू क्या हो रही है, स्टीम पास हो रही है। ये वॉल्व है जिससे क्या हो रही है, स्टीम पास हो रही है,
ठीक है, जूम कर लेना बच्चे अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो, अपने मोबाइल्स में लैपटॉप में जहाँ पर भी आप देख रहे हो ना उस जगह आप क्या कर लेना, इसे जूम कर लेना। शुड आई ट्राई टू जूम? होप सो मेरा भी जूम हो गया होगा थोड़ा सा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास में है ना एक वॉल्व है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं स्टीम को कहाँ भेज रहे हैं, टरबाइन के अंदर। यहाँ से हमारे पास जो स्टीम जा रही है वो स्टीम कहाँ जा रही है, यहाँ से किस में जा रही है, टरबाइन के अंदर। तो हम किससे मैच करना चाहते हैं, हम लोग टरबाइन के लोड के साथ में वेरिएशन देखना चाहते हैं। अगर टरबाइन का लोड वेरी करता है तो हम क्या कर सकें उसके अंदर स्टीम की सप्लाई को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ नोजल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ नोजल्स यूज करते हैं। किसी में हम लोगों ने लेट सपोज कि है ना 3 नोजल्स है ना इंसर्ट कर ली, किसी के अंदर हम लोगों ने ना 4 नोजल्स यूज कर ली, किसी के अंदर हम लोगों ने क्या करा मल्टीपल नोजल्स यूज कर ली। इस नोजल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं इसकी सप्लाई करते हैं। लेट सपोज कि है ना मान लो मेरे पास एकदम से रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई तो मेरे को टर्बाइन को स्पीड ज़्यादा देनी पड़ेगी, स्टीम को है ना ज़्यादा करना पड़े पास करना पड़ेगा। अगर स्टीम ज़्यादा दे रहा हूँ मैं उसको तो हम उसको किससे पास कर देंगे, इस सेकंड सेट ऑफ नोजल से पास कर देंगे। इसको हम लोग कहाँ पास कर देंगे, इस सेकंड सेट ऑफ नोजल से पास कर देंगे। क्यों? बिकॉज इसके पास में है ना पैसेज ज़्यादा है नोजल के लिए। तो यहाँ से जब नोजल से स्टीम पास होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम पास हो रही है। तो इससे रिलेटेड वॉल्व जो है, जैसे इससे पास होगी तो इससे रिलेटेड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द 2 वॉल्व आर क्लोज, बाकी दोनों वॉल्स क्या हो जाएंगे हमारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास है ना डिमांड बहुत कम है कि हमारे पास में है ना बस हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है एक नॉर्मल पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा इस सेकंड सेट ऑफ नोजल से अभी तक जो हम स्टीम पास कर रहे थे इस वॉल्व को हम लोग क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, और स्टीम को हम लोग किससे पास होकर फ्लो करवा देंगे, इस फर्स्ट सेट ऑफ नोजल से पास करवा देंगे। तो इसके रिलेटेड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगा और रेस्ट वॉल्व क्या हो जाएगा हमारे क्लोज हो जाएंगे। अब क्या होगा इसके ऊपर कि इससे रिलेटेड जो वॉल्व आ रहा है, जैसे यहाँ से स्टीम आई और यहाँ से एंटर गई और यहाँ से क्या हो जाएगी एंटर हो जाएगी, ये वाला वॉल्व और ये वाला वॉल्व दोनों क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। और एक हमको न्यूट्रल स्पीड पे चलाना है तो दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इन सेट ऑफ नोजल्स को यूज करते हैं। तो मतलब नोजल के अंदर वेरिएशन लाकर हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्टीम को कंट्रोल किया है। नोजल्स के अंदर वेरिएशन लाके हम लोगों ने क्या करा है, स्टीम की फ्लो को कंट्रोल किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोजल गवर्निंग। फिर हम लोग क्या करते हैं इस जगह काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि हम लोगों ने थ्रोटल गवर्निंग और नोजल गवर्निंग दोनों को अप्लाई कर दिया तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्निंग। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम। देखो आज जब हम लोग ऑटोमेशन की तरफ बात कर रहे हैं तो उस ऑटोमेशन के अंदर हम लोग किसका पावर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इस गवर्निंग सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं जब मशीन किसी भी ग्रिड और आइसोलेशन से कनेक्टेड नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, लोड को कंट्रोल कर रहे हैं व्हेन द मशीन इज कनेक्टेड टू द ग्रिड। इसके लिए हमको है ना बेसिकली 3 फंक्शनल पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दीज फंक्शनल पार्ट्स आर सेंसिंग पार्ट, प्रोसेसिंग पार्ट एंड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, सुनने में लगेगा सर क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं बिकॉज आज हमारा सिस्टम किससे रिलेटेड कर रहा है, हम मैकाट्रॉनिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि हम किस पे काम करें, ऑटोमेशन के ऊपर वर्किंग करें। इसलिए हम लोग इसके अंदर ना कुछ रिलेज यूज करते हैं। तुमने अभी आगे इस बार मैकाट्रॉनिक्स पढ़ोगे उसके अंदर पढ़ोगे कि ना रिलेज क्या होते हैं, तुम पढ़ोगे कि एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग मैकेनिकल सिग्नल्स को सेंस करके उसको है ना डिवाइस के अंदर यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैकेनिकल कंट्रोलेशन दोनों एक साथ में कैसे करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो बेसिकली इनका जो फंक्शन है कहाँ पर यूज करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग के अंदर यूज करते हैं, हाइड्रोलिक गवर्निंग के अंदर यूज करते हैं, मैकेनिकल गवर्निंग के अंदर यूज करते हैं, और इन सबका कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग।
मैकेनिकल एलिमेंट क्या क्या यूज कर सकते हो आप लोग, गवर्नर यूज कर सकते हो आप, नोजल्स यूज कर सकते हो, हाइड्रोलिक्स के अंदर हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, सबको मिक्स करके हम लोग क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग, हम लोग क्या बना देते हैं ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग। ठीक है, जब टर्बाइन यूनिट स्टार्ट की जाती है तो हमारा गवर्निंग सिस्टम क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है और इसको प्रिसाइसली क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टीम ट्रांसफर करनी है तो हमारा वॉल्व ओपन क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है और इसको कहना कंट्रोलेशन के साथ में हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएशन लेकर आते हैं। और एक रूम में बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई आज के टाइम पे हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं वो किसको यूज़ कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग को यूज़ कर रहे हैं। होपफुली बच्चों ये समझ में आ गया होगा। होपफुली बच्चे सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो yes,